हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम संदीप है, जो मोदल गांव के रहने वाले हैं, जिस सिस्टर की गवाही ये है कि 3 साल से इसके बेटे को खांसी की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण ये बेटी बहुत पूरी रात सो नहीं सकती थी, खांसी करती रहती थी, जिसके कारण इनकी मदर बहुत परेशान थी, क्योंकि ये बताते हैं कि ये पूरी रात नहीं थी सोती, खांसी करती रहती थी और बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी लेकर दे रहे थे, जिसके कारण जब फिर भी खांसी की प्रॉब्लम से अच्छी नहीं थी हो पा रही। और जिस सिस्टर बताते हैं कि जो 6 दिन की मेडिसिन 1000 रुपये की लेकर आते थे, और जिसके कारण फिर भी इस बेटी को फर्क नहीं था पड़ा। और कभी कभी जो सिस्टर बताते कि जी अपने गांव में भी कुछ डॉक्टर थे जिसके पास जो जाते थे, उनसे भी जो मेडिसिन लेते थे, पर जो वो वाली मेडिसिन लेते थे वो नॉर्मल थी, उसके कारण भी इनको जी बेटी अच्छी नहीं थी वो पास रही, तो जिसके कारण जो बहुत परेशान रहते थे। क्योंकि जो सिस्टर बताते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, तेज़ वाली मेडिसिन ही इसको छूट करती थी, हल्की मेडिसिन से इसको फ़र्क नहीं था पड़ता, और इतनी ज़्यादा मेडिसिन दे चुके थे। और बहुत सारे जो सिस्टर बताते हैं कि इनके जो खर्चा था घर की प्रॉब्लम के कारण, कभी कभी इनके पास पैसे भी नहीं थे होते कि जे मेडिसिन लेकर आए, और जिसके कारण जे पूरी रात खांसी करती रहती थी और जे बहुत परेशान हो चुके थे। और जिस सिस्टर ने बताया कि मैं डॉक्टर ही चेंज कर रही थी, और जिस दिन सिस्टर को गुड न्यूज़ दी गई, प्रभु का शुभ समाचार मिला और जिस मिनिस्ट्री में आना स्टार्ट किया, और जब जिस सिस्टर इस संगति में आना शुरू किया, और अभी इस सिस्टर को 3 हफ्ते हुए, और प्रभु के दास जब जिस सिस्टर संगति में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए ले प्रार्थना कर रहे थे, आओ हम इस क्लिप को देखते हैं। तो जे बताते हैं कि जिस दिन जिस संगति में आए और जैसे प्रभु के दास ने इस बेटी के लिए ले हैंड प्रार्थना की, तो जे बताते हैं कि उसी दिन से जे बेटी इनकी पूरी रात मीठी और प्यारी नींद से सोती, बिल्कुल भी खांसी नहीं करती। जिस सिस्टर बताते हैं कि जे बहुत खुश है कि परमेश्वर ने जो 3 साल की प्रॉब्लम थी, आज इस सिस्टर बताते कि इस बेटी को परमेश्वर ने इस खांसी की प्रॉब्लम से टोटली फ्री कर चुके। सुनो सुनो सुनो, और ये गवाही छोटी नहीं है। इसे पूछो, जिसने 3 साल तक इस कष्ट को सहा, कितने समय तक? 3 साल तक। इसे पूछो कैसा लगता था जब पूरी रात, आपने बताया कि ये 3 साल आप जी मेरे वाले सारे जैम से, मैनू बहुत ही बुरा लगता हुंदा सी, मैं सारी सारी रात सो नहीं पाउंदी हुंदी इहदे, मतलब इहदी खांसी इन्नी आउंदी हुंदी सी, तुहानू पता ही आ वी जदों मतलब बच्चा लागे खंघे ते मां नूं नहीं नींद आउंदी, ते इस करके इह सारी सारी रात की इह मेरे सहुरा साहिब जी हुणी वी, ओह वी परेशान हुंदे सी, उहनां नूं वी नींद नहीं ही आउंदी हुंदी, जदों वी इक असीं तरमान नाल सौंदे हुंदे सी ना लागे, इह ते इक मिंट वी नहीं पैंदा हुंदा वी इह मतलब मां नाल सौ सके, इहदी सारी सारी रात ही कितें खंघ दे लंघ जांदी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਸਰ ਰਾਤ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਆਏ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁਆ? 3 ਹਫਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਿਰਫ ਅਭੀ 3 ਹੋਏ, ਸੋਚੋ ਅਭੀ ਸਿਰਫ 3 ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗਤਾ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ ये तो परेशान थे, बाकी भी फैमिली वाले जो बाकी इसके सोरा परिवार, हाँ आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे साड़ियाँ दो मतलब बेटियाँ वहाँ, तो इन्हें दे पापा थे मेरे सोरा साहब जी। अच्छा, आपके मदर इन लॉ, आपके सासू माँ? अच्छा, उन्होंने डेथ हो गई। अच्छा, उनके डेथ है। हाँ, तो बाकी बच्चे भी, ये खुद भी, इनके हस्बैंड, इनका सोरा। हाँ, देखो जब जी पूरी रात खांसी करती रहती थी, तो बोलो बाकी भी क्या हुए हैं, डिस्टर्ब होंगे कि नहीं बोलो? क्योंकि रात परमेश्वर ने किस चीज़ के लिए बनाई? हमारे आराम के लिए। पर इनके शैतान ने इनकी इनकी रात क्या बना दी? इनका विश्राम, इनका आराम उसने क्या बना दिया? देखो
और आज खुदा ने ये सोचते तो होंगे कि अगर 3 साल पहले अगर मुझे परमिशन मिल जाता तो इतना लंबा सफर, इतना कष्ट जो मैंने सहा, क्यों जी ऐसा ऐसा तो सोचते होंगे कि अगर आज से 3 साल पहले जा उससे पहले अगर मुझे खुदा मिल गया होता तो आज में मेरा जीवन कितना अच्छा होना था। हाँ होना था कि नहीं होना था। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सच है जो लोग जानते नहीं। बोलो दुनिया, दुनिया जानती नहीं। हाँ पर आपने उसे जानना, उसमें बढ़ना और दूसरों को भी बताना है। बोलो क्या है? आपने इसे और जानना है, इसमें बढ़ना और दूसरों को भी बढ़ाना है। समझती हूं मैं हर बार कहता हूं कि यीशु मसीह धर्म का खुदा नहीं है। वो किसी का धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए इस दुनिया में आया। क्या आया इस दुनिया में? जीवन बदलने के लिए आया। इसलिए इसका जीवन और अब इसकी इस बच्ची का जीवन किसने बदल दिया? हाँ किसने बदल दिया? और वो सबका जीवन बदलने के लिए आया। हाँ क्या आया? वो सबका जीवन बदलने के लिए आया। इसलिए ये एक गुड न्यूज है, अपने लोगों को बताना है। अगर इसे कोई ना बताता तो आज जो इसके चेहरे पे खुशी है वो होती ना। हाँ आज जो इसके घर में चैन है, जो शांति है, जो खुशी है, हाँ वो होती ना। इसलिए इस गवाही के लिए हम जोर से खुदा की तारीफ करेंगे पूरे मन से क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आमीन आमीन।